मात्र 34,000 रुपए खर्च करो और पूरा थाना आपके कब्जे में होगा। पुलिस, दरोगा, सिपाही सब आपकी पहरेदारी करेंगे। थाने में घुसकर जो मर्जी हो वो करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। इंस्पेक्टर से लेकर पालतू कुत्ता तक सब आपके इशारे पर काम करेंगे। आखिर क्या है सरकार का ये नया आदेश जिसने सबके होश उड़ा दिए, अब हर कोई थाने का मालिक बनना चाहता है। बाप भाई बाप, कमाल हो गया। जिसकी सपने में भी उम्मीद नहीं की थी वो हो गया। जिन पुलिस थानों में थानेदार की चलती थी अब वहाँ आपका राज होगा। पुलिस, दरोगा सब आपके इशारों पर काम करेंगे। आप थाने में घुसकर जो मर्जी हो वो करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। यहाँ तक कि पुलिस का पालतू ट्रेनर कुत्ता तक आपके इशारों पर भौंकेगा। करना कुछ नहीं, मात्र 34,000 रुपया आपको देना होगा और एक दिन के लिए थाना आपका। क्या हुआ, मजाक लग रहा है? हमें भी ऐसा ही लग रहा था, पर भाई साहब ये बिल्कुल सच है। एक ऐसा सच जिसे सुनकर हर कोई हैरान है, क्योंकि शायद पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। दरअसल ये कहानी है केरल की, जहां आप पुलिस के ट्रेनर कुत्तों, पुलिस वालों और यहां तक कि पूरे थाने को किराए पर ले सकते हैं। केरल में यह योजना आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए चालू की गई। बता दें, हाल ही के एक सरकारी आदेश के रेट कार्ड से पता चलता है कि सर्कल इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को काम पर रखने पर आपको 3,035 रुपए से 3,340 रुपए प्रतिदिन खर्च करना होगा। यदि आप अधिक किफायती विकल्प चाहते हैं तो एक सिविल पुलिस अधिकारी चुने जिसकी सेवाओं की कीमत 610 रुपए है। पुलिस के कुत्ते 7,280 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आते हैं और वायरलेस उपकरण 12,130 रुपए प्रतिदिन के किराए पर लिए जाते हैं। मतलब एक पुलिस स्टेशन 12,000 रुपए में किराए पर लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, एक पुलिस स्टेशन और पुलिस वायरलेस की किराए की दरें लगभग समान क्यों होनी चाहिए? या एक पुलिस अधिकारी की तुलना में एक पुलिस कुत्ते को काम करने पर रखने पर अधिक खर्च क्यों होना चाहिए? यह सरकारी आदेश से स्पष्ट नहीं है। केरल सरकार को लगता है कि उसके संभावित ग्राहक निजी पार्टियां, मनोरंजन फिल्म की शूटिंग वाले होंगे। जाहिर है कुछ सरकारी अधिकारी नाखुश हैं। वे बताते हैं कि आदेश न केवल इस वास्तविकता को पहचानने में विफल रहता है कि फिल्म कंपनियां और यहां तक कि निजी कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले अमीर लोग भी अधिक संसाधन संपन्न हैं और उन्हें पुलिस और उपकरणों को किराए पर लेने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि यह भी है कि राज्य के कर्मियों को संपत्ति के किराए पर लेने के एक नैतिक धूसर क्षेत्र में आता है। इसके अलावा वायरलेस सेट और बंदूक के साथ पुलिस को काम पर रखना सुरक्षा मुद्दों को उठाता है। फिल्म उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर या संवेदनशील क्षेत्रों में फिल्मांकन करते समय अनुमति प्राप्त करने के लिए केवल पुलिस पर निर्भर रहते हैं। बता दें कि पिछले साल कन्नूर के पानूर में एक व्यवसायी की बेटी के विवाह समारोह में 4 पुलिस अधिकारियों को गार्ड ड्यूटी के लिए प्रदान किया गया था। इससे बड़ा विवाद हो गया था। अधिकारी संघ ने इस मुद्दे को उठाया था। पुलिस अधिकारी संघ के राज्य महासचिव CR बीजू ने TOI को बताया कि पुलिस के मानव या फिर अन्य संसाधनों को किसी भी धूमधाम और प्रदर्शन के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी आदेश में एक विस्तृत SOP निर्धारित की गई है, लेकिन इसका पूरी लगन से पालन किया जाना चाहिए। यदि SOP का पालन नहीं किया जाता है तो यह संभव है कि थाने में आकर शादी कर सकते हैं। यहाँ पुलिस वाले मेहमानों पर नजर रखें, थाने के निरीक्षक और पुलिस कुत्ते सुरक्षा गार्ड की तरह तैनात रहेंगे। पर अब यह मामला चर्चाओं में है। ब्यूरो रिपोर्ट।